डियर फ्रेंड्स वेलकम। आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स 8 एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो चैप्टर है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर नंबर 9, उसमें जो एक्सरसाइज 9.3 है, 9.3 में जो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं उन 5 क्वेश्चंस में से हम क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वहां पे दिया गया है वो बिल्कुल ईजी है। तो जो इन इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेगा तो वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आसानी से कर पाएगा। फिर तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, निकालना है। किसका प्रोडक्ट, पार्ट 1, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू एरियाज पावर 22 मल्टीप्लाइड बाय 4 इनटू एरियाज पावर 26। यहां पर ये तीन मोनोमेरस दी गई है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है 2 इंटू एरियज पावर 22, 4 एरियज पावर 26, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट हमने इनका निकालना है। तो कैसे हम करेंगे यहाँ पे, आप देख लीजिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसका कैसे ले रहे हैं। जैसे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कोएफिशिएंट्स को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ए स्क्वायर जो है इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पर ए रेज पावर 22 के साथ कोएफिशिएंट जो है 2 है, और ए रेज पावर 26 के साथ जो कोएफिशिएंट है 4 है। तो कोएफिशिएंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 जो कोएफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू 4, जैसे यहाँ पे 2 यहाँ पे 4। तो ए रेज पावर, अब ये ए रेज पावर 2 + 22 + 26, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, उसमें एक रूल है बेस आर सेम पावर्स आर एडिड। तो यहाँ पर ए है बेस, यहाँ पर भी ए बेस है, यहाँ पर भी ए बेस है, इसलिए हम बेसिस यहाँ पे सेम है तो मैं पावर उसको ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 22 पावर है, यहाँ पर 26 पावर है, 2 + 22 + 26। तो इस तरीके से आगे रिजल्ट क्या आएगा, 2 इंटू 4 दैट इज़ 8, और एरियज पावर 2 + 22 + 26, तो इट विल बिकम 50 एरियज पावर 50। तो इस तरीके से हमने इन तीन मोनोमेरस का प्रोडक्ट जो हमने निकालना था वो हमने यहाँ पे किया है। तो इनका जो प्रोडक्ट आया है वो आया है 8 इंटू एरियज पावर 50। इसी तरीके से हम पार्ट 2 के ओर, 2 के ओर जाएंगे, जैसे यहाँ पे है 2/3 एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस यहाँ पर भी हम कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे 2/3 रेज पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई -9/10, यहाँ पे 2/3 इसका कोएफिशिएंट जो है और 9 - 9/10 इसका कोएफिशिएंट जो है। एक्स यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर एक्स का पावर जो है 1 है, यहाँ पर एक्स का पावर जो है 2 है, इसलिए इट विल बिकम एक्स रेज पावर 1 + 2। तो यहाँ पर वाई का जो पावर है वो 1 है, यहाँ पर वाई का जो पावर है 2 है, इट विल बिकम वाई रेज पावर 1 + 2। तो आगे और आप देखेंगे यहाँ पर 2 और 10 में कॉमन फैक्टर्स है, जैसे आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 1 = 2, 2 5 = 10, यहाँ पर 3 1 = 3, 3 3 = 9। तो क्या बचेगा हमारे पास, -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स रेज पावर 1 + 2 इज 3 एंड वाई रेज पावर 1 + 2 इज 3, तो बन जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो इस तरीके से हमने दो पार्ट सॉल्व किए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट, तीसरा पार्ट जो है हमारे पास वो है -10/3 पी क्यू क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 6/5 पी क्यूब क्यू। तो यहाँ पर भी हम -10/3 को 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और पी क्यू क्यूब को पी क्यूब क्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ और कोएफिशिएंट्स को कोएफिशिएंट्स के साथ। कैसे हम करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो -10/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/5 यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स है पी रेज पावर 1 + 3, यहाँ पर पी का पावर जो है 1 है और यहाँ पर पी का पावर जो है 3 है, तो 1 + 3 कर रहा हूँ। यहाँ पर क्यू रेज पावर 3 + 1, यहाँ पर क्यू का जो पावर है वो 3 है, यहाँ पर क्यू का जो पावर है दैट इज़ 1, तो क्यू रेज पावर 3 + 1। और एक चीज़ आप इसमें देखेंगे, 5 और 10 में कॉमन फैक्टर्स है, तो इसी तरीके से 3 और 6 में भी कॉमन फैक्टर्स है, जैसे 5 1 = 5, 5 2 = 10, यहाँ पर आएगा 3 1 = 3, 3 2 = 10। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, -2/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 पी रेज पावर 4 क्यू रेज पावर 4, जब हम पावर्स को ऐड करेंगे, जैसे 1 + 3 = 4, 3 + 1 = 4। तो और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले -2 × 2 दैट इज़ 4, क्योंकि हम ये दो रेशनल नंबर्स हैं इनको जब मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर मैंने 2 - 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो बन गया -4, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड 1 आएगा, डिवाइड 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरीके से इन दो मोनोमेरल्स का भी प्रोडक्ट हमने किया है। आगे हम चलते हैं और एक पार्ट की ओर, जिन्हें फोर्थ पार्ट जो यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आसान पार्ट है यहाँ पे। इट इज़ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स फोर। तो सोल्यूशन हम कैसे करेंगे इसको, आप देख लीजिए यहाँ पे, ये आप देखेंगे यहाँ पे कैसे हम करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर बेसिस जो है बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी एक्स 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 है, यानी चारों मोनोमेरल्स में बेस जो है एक्स है। तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो बेस आर सेम, पावर्स आर एडिट का रूल है, वो हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। तो एक्स रेज पावर वन, यहाँ पर जो पावर था वो वन था, यहाँ पर जो टू है, यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर फोर है, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। तो आगे क्या आएगा, एक्स रेज पावर वन प्लस टू प्लस थ्री दैट इज़ टेन। तो इस तरीके से हमने पार्ट फोर्थ जो इसमें, चारों पार्ट जो इसमें है क्वेश्चन नंबर थ्री में, वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर, जहाँ पर दो पार्ट्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ही पार्ट में से सॉल्व करेंगे और दूसरा पार्ट आप खुद ब खुद कर पाएंगे फिर अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है, उसमें जो पार्ट ए दिया गया है, सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 एंड फाइंड द वैल्यू फॉर फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 1 बाई 2। ये जो ए पार्ट है, इसमें दो सा पार्ट्स है, दो सा पार्ट्स है। पहले पार्ट में आपने x के बदले वैल्यू 1 बाई 2 देना है और दूसरा पार्ट वहाँ पे जो है x के बदले आपने वैल्यू 3 देना है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब आपको ये आएगा तो आप अच्छी तरह से वो भी कर पाएंगे। फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई करना है इस चीज़ को, हमने सिंप्लीफाई करना है। जैसे 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3, प्लस 3 ये सिंप्लीफाई टर्म ही है, इसमें आपने इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, यानी मोनोमेल से इस बायनोमेल को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा रिजल्ट, आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पर 3x इंटू 4x तो वो बन गया 12x स्क्वायर, क्योंकि अब मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, एक्स रेज पावर 1 प्लस 1 नाउ इट इज़ अंडरस्टूड, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो इसी तरीके से 3x से माइनस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 15x, तो प्लस 3 यहाँ पर जो था प्लस 3 ही आया। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने वैल्यू जो x का 1 बाई 2 जो वैल्यू दिया गया है, तो वह हमने x के बदले वैल्यू इंसर्ट करना है। तो क्या आएगा रिजल्ट, हमारे पास जो ये सिंप्लीफाइड जो है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, एक्स के बदले अब हमने 1 बाई 2 वैल्यू देना है, 1 बाई 2 वैल्यू की इंसर्ट किया और यहाँ पर एक्स का स्क्वायर जो था यहाँ पर भी स्क्वायर आया, माइनस 15 इंटू एक्स के बदले यहाँ पे 1 बाई 2 प्लस 3। आगे आप इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे, जैसे एक्स 12 इंटू 1 बाई 4, 1 बाई 4 कैसे, 1 बाई 2 का जो स्क्वायर है 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 15 बाई 2, यहाँ पर 15 इंटू 1 इज 15 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 4 और 12 में कॉमन फैक्टर, जैसे 4 वन ज़ार 4, 4 थ्री ज़ार 12, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बचा, 3 इंटू 1 दैट इज 3, माइनस 15 बाई 2 प्लस 3। तो आगे हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर जो 3 है, इस 3 और 3 का ऐड हमने किया दैट इज 6, 6 माइनस 15 बाई 2। तो ये दोनों रेशनल नंबर्स है, एक में डिनोमिनेटर मौजूद है, दूसरे में डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है। हम इनको जैसे हमने रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पर डिवाइड में 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो 6 का डिवाइड 1 लिख रहा हूँ, माइनस 15 बाई 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 2 ज़ार 12 माइनस 15 1 ज़ार 15 डिवाइड बाई 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पर 12 माइनस 15 दैट इज़ माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट ए है, उसमें जो सब पार्ट दिया गया था वेयर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। इसी तरीके से इसमें जो दूसरा सब पार्ट दिया गया है, एक्स का जो वैल्यू है वो 3 दिया गया है, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपने x के बदले 3 का 3 वैल्यू देना है और यहाँ पर भी आपने x के बदले 3 वैल्यू देना है। तो इस तरीके से वो सब पार्ट भी आप कर पाएंगे। तो पार्ट बी जो है, उसमें दूसरी एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है, उसमें भी ऐसे ही आपने सिंप्लीफाई करना है, फिर जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उनको वैल्यूज़ आपने डालने हैं, तो आप अच्छी तरह से वो कर पाएंगे। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ओर, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास है, ए पार्ट्स का जो है, ऐड पी इंटू पी माइनस क्यू, क्यू इंटू क्यू माइनस आर एंड आर इंटू आर माइनस पी, यानी ये तीन चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो कैसे हम कर रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे, मैं ऐड प्लस साइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख लीजिए, पी इंटू पी माइनस क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस आर प्लस आर इंटू आर माइनस पी। तो सबसे पहले ऐड करने से पहले मैंने ये जो बाहर पी क्यू आर जो है इनको, इनसे मल्टीप्लाई करना है, अंदर जो ब्रैकेट्स में है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करें, यहाँ पे पी इंटू पी दैट इज़ पी स्क्वेयर, पी इंटू क्यू दैट इज़ पी क्यू, यहाँ पे क्यू इंटू क्यू दैट इज़ क्यू स्क्वेयर, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस से आएगी तो क्यू इंटू आर इज़ क्यू आर, इसी तरीके से आर इंटू आर इज़ आर स्क्वेयर एंड आर इंटू पी इज़ आर पी।
तो आगे आपने देखना है कि कोई काम कोई लाइक टर्म तो नहीं है, इसमें तो कोई लाइक टर्म नहीं है, लेकिन क्या करेंगे हम ये स्क्वायर वाले जो टर्म्स है वो पहले लिखेंगे और जो जिनमें स्क्वायर नहीं है वो उसके बाद लिखेंगे। जैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो इस तरीके से हमने ऐड इन तीन जो टर्म्स यहाँ पे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए थे इनको हमने ऐड किया है। तो इसके बाद जो पार्ट बी है वो यहाँ पे है ऐड 2x इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड 2y इंटू जेड माइनस वाई माइनस एक्स, यानी इन दो चीज़ों को, इन दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने ऐड करना है 2x इंटू दिस वन एंड 2y इंटू दिस वन। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसी को लिख रहा हूँ एडिशन सूरत में, यानी यहाँ पर प्लस साइन लिख रहा हूँ 2x इंटू दिस प्लस 2y इंटू दिस ट्राइनोमियल। उसके बाद हमने क्या करना है 2x से पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में हम इसको ऐड कर पाएंगे। 2x से इस ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है और 2y से इस ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है। क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 2x इंटू जेड दैट इज 2xz, 2x इंटू x दैट इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू y दैट इज 2xy। यहाँ पर 2y इंटू z दैट इज 2yz, 2y इंटू y दैट इज 2y स्क्वायर, 2y इंटू x दैट इज 2yx। यहाँ पर जो ये रेड कलर के जो टर्म्स हैं ये बिल्कुल लाइक टर्म्स है, यहाँ पर भी एक्स वाई वेरिएबल है, यहाँ पर भी वाई एक्स वेरिएबल है, वाई एक्स एंड एक्स वाई इज द सेम, चाहे आप एक्स वाई लिखेंगे या वाई एक्स लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है इसमें। तो ये मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और बाकी कहीं नहीं आपको लाइक टर्म्स नज़र नहीं आएगी। तो इनको हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ 2xz ये ऐसे ही है, तो माइनस 2x स्क्वायर ऐसे ही है, माइनस 2xy और माइनस 2xy। यहाँ पर क्या कर लाइक टर्म में हमने कोफिशिएंट्स को सिर्फ ऐड या सबट्रैक्ट करना होता है, यहाँ पर भी माइनस 2 कोफिशिएंट है, यहाँ पर भी माइनस 2 कोफिशिएंट था, तो हमने माइनस 2 को माइनस 2 के साथ जब ऐड करेंगे तो इट विल बिकम माइनस 4। तो इसी तरीके से फिर प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर। और एक चीज़ है यहाँ पर आप 2 देखेंगे, 2 हर कहीं पर आपको हर किसी टर्म में आप कॉमन ले सकते हैं, तो वही मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कॉमन 2 इंटू xz माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर जो 4 था उसमें से 2 वहीं पे रहा, माइनस 2xy रहेगा, यहाँ पर 2 जो बाहर आया है कॉमन आया है, yz रहा माइनस y स्क्वायर रहा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी कंप्लीट किया है। अब हम चलते हैं पार्ट सी के ओर, हम चलते हैं। हमारे पास जो पार्ट सी है वो क्या है, सब्ट्रैक्ट 31 इंटू 1 माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 41 इंटू 10n माइनस 3m प्लस 21। यानी एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ पे अपनी गौर देना है, सब्ट्रैक्ट घटाइए, इसका मतलब है घटाइए दिस फ्रॉम दिस, यानी जो राइट साइड में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है उसमें से हमने लेफ्ट वाली घटानी है। तो जिसमें से घटाना होता है वो पहले हमने लिखनी होती है, इसका मतलब है जो राइट साइड में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है ये हमने पहले लिखनी है, बाद में माइनस लिखना है, और ये फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में दी गई है वो हमने राइट साइड में लिखनी है। कैसे हम करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 41 इंटू 10 एन माइनस 3m प्लस 21 माइनस 31 इंटू 1 माइनस 4m प्लस 5n। अब पहला काम क्या है मेरा, 41 से इस ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना और 31 से इस ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करना, वो मैं कैसे कर रहा हूँ, 41 इंटू 10 दैट इज 410, n उसके साथ ही रहेगा, 41 इंटू 3 दैट इज 123m, 41 इंटू 21 दैट इज 861। इसी तरीके से यहाँ पर भी, लेकिन ये ब्रैकेट अभी रहेगा, क्योंकि ये क्यों रहेगा ब्रैकेट, यहाँ पे जो माइनस साइन है इससे इफेक्ट पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइंस है इन पर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं बाहर ही रख रहा हूँ। फिलहाल मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 31 इंटू 1 दैट इज 31 माइनस 31 इंटू 4 दैट इज 124 और एम इसके साथ एम रहेगा, 31 इंटू 5 दैट इज प्लस 155 एन। अब इसके बाद क्या काम है, ये इस ब्रैकेट को हमें ख़त्म करना है, कैंसर हटाना है। कैसे हटेगा, जो ये बाहर माइनस साइन है उससे जो भी जहाँ पर भी इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट हमने डालना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 410n ऐसा ही है, हम माइनस 120m ऐसा ही है, प्लस 86 ऐसा ही है, तो माइनस 31 यहाँ पर माइनस और माइनस जब मिलेंगे तो प्लस बन जाएगा 124, और यहाँ पर प्लस जो था माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा 150n। यहाँ पर जो जो सेम कलर के टर्म्स है, जैसे यहाँ पर रेड और रेड ये लाइक टर्म्स है, यहाँ पर पर्पल और पर्पल ये सेम लाइक टर्म्स है, और यहाँ पर ब्लैक और ब्लैक ये लाइक टर्म्स है, अब ये मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 410n में से हमने 155n घटाने हैं, तो क्या बचेगा वहाँ पे 255n। यहाँ पर माइनस 123m था, यहाँ पर प्लस 124m है, तो इसका मतलब है 124 में से 123 हम घटाएंगे तो वहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम m लिखेंगे, 1m नहीं लिखेंगे। तो 861 में से हमने 31 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 803 बचे, 30 बचेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से हमने पार्ट सी भी कम्प्लीटली सॉल्व किया है। अब हमारे पास बारी है पार्ट डी की।
पार्ट डी क्या है हमारे पास, सब्ट्रैक्ट 3a into a plus b plus c minus 2b into a minus b plus c from 4c into a minus a plus b plus c. यहाँ पर क्या करना है हमने, ये जो लेफ्ट में दिया गया है यहाँ से 3a into this one minus 2b into this one, इस ये चीज़ हमने सब्ट्रैक्ट करनी है इस राइट वाले से, राइट वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे यही लिखेंगे हम, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, 4c into minus a plus b plus c. अब माइनस ये पूरा हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसी में से, इसलिए ये पूरा जो है इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे है, बीच में एक माइनस साइन भी है. तो इसमें लॉन्ग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि ये जो ये माइनस यहाँ पे रहा है उस माइनस का इफेक्ट जो आएगा वो प्रॉपरली पड़ेगा हर किसी टर्म पर जहाँ पे पढ़ना चाहिए. तो इसलिए लॉन्ग ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, बाकी वैसे ही लिख रहा हूँ. तो इसके बाद मैं क्या करना है, इसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे जो ये ट्राइनोमियल्स के बाहर जो मोनोमियल्स है, जैसे यहाँ पे 4c है, यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 2b है, इनको मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँगा. तो आप देखिए आगे, जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस 4ca, माइनस 4ca, यहाँ पर माइनस a था इसलिए 4c into b दैट इज़ 4 प्लस 4cb, 4c into c दैट इज़ 4c स्क्वायर. यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, माइनस भी ऐसे ही रहेगा, 3a into a 3a दैट इज़ 3a स्क्वायर, 3a into b दैट इज़ 3ab, 3a into c दैट इज़ 3ac. यहाँ पर भी ये ब्रैकेट ऐसे रहेंगे, 2b into a दैट इज़ 2ba, 2b into b that is 2b square, 2b into c that is 2c, 2bc. तो अब बारी है ये जो छोटे ब्रैकेट्स है, शॉर्ट ब्रैकेट्स है, इनको ख़त्म करने की. तो ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ये लेफ्ट वाला, ये जो तीन टर्म्स है वैसे ही रहेंगे, लॉन्ग ब्रैकेट भी वैसे ही रहेगा. तो 3a square ऐसा ही है, 3ab ऐसा ही है, 3ac ऐसा ही है. अब माइनस यहाँ पे 2ba, अब इस माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा 2b square. यहाँ पर जो प्लस था उसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो टू माइनस 2b. अब इसके बाद क्या करना है, इस लॉन्ग ब्रैकेट को हमने हटाना है. ये जो बाहर माइनस है इससे जो अंदर वाले जो टर्म्स है, इस लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं इन पर इसका इफेक्ट आएगा, तो वो हमने करना है. यानी इस माइनस से हमने हर किसी टर्म को मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, माइनस 4ca ऐसा ही है पहले से जो था, 4 प्लस 4cb प्लस 4c स्क्वायर, बिल्कुल माइनस 3a स्क्वायर. यहाँ पर प्लस है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा 3ab, यहाँ पर प्लस है तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा 3ac, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा 2ba, यहाँ पर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा 2bc. अब यहाँ पर जो सेम कलर के टर्म्स है बिल्कुल ये लाइक टर्म, जैसे यहाँ पर 4ca रेड है, 3ac बिल्कुल ये लाइक टर्म है. यहाँ पर जो येलो कलर की है 4cb और 2bc बिल्कुल ये भी लाइक टर्म्स है. यहाँ पर जो है 3ab और यहाँ पर 2ab ये भी लाइक टर्म्स है. तो इनको हम मर्ज करेंगे आगे. कैसे हम करेंगे, यहाँ पे माइनस 4ca माइनस 3ca 3ac. तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 और 3 को हमने ऐड कर रहा हूँ, और लेकिन ये दोनों नेगेटिव्स है इसलिए माइनस ही रहेगा 7ca. प्लस यहाँ पर 4cb और यहाँ पर 2cb दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6cb आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पर 4c स्क्वायर पहले से ही था तो वो वैसा ही रहेगा, माइनस 3a स्क्वायर पहले ही था तो वो वैसा ही रहेगा, यहाँ पर माइनस 3ab और प्लस 2ba. तो यहाँ पर क्या है, माइनस 3 और प्लस 2 को जब हम मिलाएंगे आपस में तो वहाँ पे माइनस 1 आएगा. तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम ए बी लिखेंगे. तो माइनस 2b स्क्वायर, तो ये जो टर्म यहाँ पे है ये हमें यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जो चार पार्ट्स दी गई हैं वो हमने कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ ना कुछ आपको इससे मदद मिलेगी. थैंक यू.